आप लोगों ने वीडियो नहीं बना पाया था पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से, अब आपके लिए यहाँ पे कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करूंगा मैं। तो बस आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सिंपली आप लोग अपने घर पे बैठ के ही एक SBI बैंक का CSP कैसे ले सकते हैं। आपको बता दें कि अभी बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने घर पे ही अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं एंड करने की सोच रहे हैं, तो आप लोगों के लिए CSP पॉइंट एक बहुत ही बेहतरीन एक बिजनेस सपोर्ट में अपॉर्चुनिटी कहलाएगी, जहाँ पे आप लोग अपने घर पे बैठ के नॉर्मल टाइम देके 20 से 25 हज़ार या 25 से 30 हज़ार रुपए इजी तरीके से कमा सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं जाना, आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं किसी के पास में जाके, आप लोग डायरेक्टली बैंक के थ्रू ही यहाँ पे CSP को ले सकते हैं। तो आज आपको यहाँ पे SBI बैंक का CSP या उसका डिस्ट्रीब्यूटर आप लोग कैसे बन सकते हैं या फिर उसके मर्चेंट आईडी आप लोग कैसे ला सकते हैं, पूरा डिटेल्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि उसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। आपको न्यू तरीके यहाँ पे बताऊंगा, गाइस आप लोगों ने बहुत सारे तरीके देखे होंगे जहाँ पे SBI बैंक की वेबसाइट पे जाके आप लोगों को बता दिया जाता है, बट गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको वेबसाइट पर जाके नहीं बताऊंगा, और भी अलग तरीका आप लोग यहाँ पे बताने वाला हूँ जहाँ पे आप लोग CSP ले सकते हैं SBI बैंक की। सिंपली आप लोगों को क्या करना, अपना आधार कार्ड, अपना पास एंड आप लोगों का पैन कार्ड और आपका वोटर आईडी कार्ड आपके पास में होना चाहिए एंड आपका IBF सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप लोग 6 महीने के अंदर उसे ले सकते हैं और उसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोगों को CSP कैसे लेना इस वीडियो के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बेनिफिट्स में आप लोगों को बता दें, आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एप से कर सकते हैं, यानी कि पैसा निकाल हुए भेज सकते हैं किसी के आधार कार्ड से किसी भी कस्टमर का, एंड सिंपली आप लोग रिचार्ज बिल पेमेंट एंड बिल और आपका फ्लाइट टिकट बुक्स वगैरह रिजर्वेशन वगैरह सिंपली बहुत सारी चीजें आप लोग वहाँ पे उसमें कर सकते हैं। उन पे आप लोगों को परसेंटेज भी मिलता है, यानी कि कमीशन मिलता है, और डायरेक्टली आप लोग कस्टमर से भी उसका चार्ज ले सकते हैं। तो उसमें आप लोग CSP लेना चाहते हैं इस तरीके से SBI बैंक में, तो आज की इस वीडियो को एंड तक देख लेना प्लीज। एंड अगर बैंक की CSP भी लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी या फिर कॉमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, उसके लिए न्यू वीडियो आप लोगों को बना दी जाएगी। तो SBI बैंक का CSP आपको अभी लेना है तो सिंपली आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, डायरेक्टली जाके आप लोगों को साइट पर विजिट कर लेना है। एंड गाइस उम्मीद करेंगे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लिया, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, पहले बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। आपके लिए जेन्युइन यहाँ पे रिपोर्ट जो भी है मैं आप लोगों को देता हूँ, जेन्युइन वीडियो आप लोगों को बना के देता हूँ बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। आप CSP चाहते हैं तो आप लोग लिंक पर क्लिक करके आएंगे तो आप लोग डायरेक्टली इस वेबसाइट पर नहीं पहुंच पाएंगे, आपको मैं वेबसाइट की लिंक दूंगा इसकी, यानी कि myoxygen.com। सिंपली यहाँ से आप लोग CSP ले पाएंगे, क्योस्क ले पाएंगे एक SBI बैंक का। गाइस आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे आप लोग डायरेक्टली साइट पर जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों के लिए CSP अवेलेबल नहीं है, तो आप लोगों को SBI क्योस्क बैंकिंग कस्टमर की यहाँ पे CSP लेना है तो आप लोग सिंपली इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स दिए गए, बट आपको क्या करना, सॉल्यूशन पर जाना, सॉल्यूशन पर आप लोग जाएंगे, यहाँ पे बैंकिंग सॉल्यूशन डोमेस्टिक एप्स दिया है, ब्रांचलेस बैंकिंग दिया गया आपको एंड आपको दिया गया CSP SBI, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर आप लोग जैसे क्लिक करते हैं ये फॉर्म आपके सामने ओपन होता है। गाइस आपको बता रहे हैं अप्लाई फॉर SBI क्योस्क बैंकिंग। सिंपली आपको क्या करना है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप ये फॉर्म भरे और आप लोगों से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करें ब्रांच मेंबर्स, तो आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फुल नेम एंटर करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड स्टेट आपको अपने सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में सिटी एंटर कर देना है एंड पिन कोड आपको और एड्रेस आपका जो भी प्रॉपर एड्रेस है वो, और एक यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा मैसेज आपको टाइप कर देना है जिससे कि आप लोगों को सामने वाले को लगे कि आप लोगों को CSP लेना है, किस वजह से आपको लेना है। उसके बाद में इस पर क्लिक करके सबमिट आप लोग इसे कर सकते हैं। बट गाइस आपको मैं दूसरा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बता देता हूँ जहाँ से आप लोग डायरेक्टली CSP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन CSP के लिए अप्लाई आप लोग कर पाएंगे SBI क्योस्क के लिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आपको जाना है, नीचे आने के बाद में अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, ये दोबारा से ओपन होगा, इसको आपको क्लोज कर देना, तो नीचे आप लोग के लिए यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे बता दें मैं कि किस तरह से आप लोगों को CSP के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है। बेनिफिट्स को रिटेलर दिया गया है, न्यू रिवेन्यू स्ट्रीम फ्रॉम मिनी बैंकिंग है, इजी मनी ट्रांसफर है एवन एन एक्साइटिंग, आप लोग SBI अकाउंट होल्डर कैन बी योर कस्टमर है एंड बहुत सारी फीचर्स आप लोग इसके अंदर दिए गए हैं। बेनिफिट्स ऑफ कस्टमर आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं, ये बेनिफिट्स हैं बहुत सारे, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उसके बाद में आप लोग CSP ओपन करेंगे।
अब आपको क्या दिया, यहाँ पे नीचे दिया गया हाउ टू रजिस्टर अस एज सीएसपी, तो आप लोगों को सिंपली इस पर क्लिक करना, बगल में यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे दिया गया गाइस, इसका मतलब ये है कि आपको पूरा दिया गया है। इसका मतलब मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि सीएसपी के लिए वही अप्लाई करें जिसके पास में मॉर्फो डिवाइस है या फिर उसके पास में पर्सनल अपना लैपटॉप कंप्यूटर है एंड आपको पूरा सामग्री आपके पास है और आप छोटा मोटा काम करते हो ऑलरेडी, तो वही सीएसपी के लिए अप्लाई करें क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना, कुछ फॉर्म या पे लेना पड़ेगा, फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको फिल करने के बाद में सबमिट करना होगा। कहाँ पे सबमिट करना, डाउनलोड कैसे करना, वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद में आप लोगों को नीचे जाना, नीचे जाने के बाद में सिंपली आप लोगों को एसबीआई क्योस्क बैंकिंग दिया गया, तो एसबीआई क्योस्क बैंकिंग में आप लोग इधर क्लिक करेंगे। इधर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया गया सबसे ऊपर, एप्लीकेशन फॉर्म 17 मार्च 2021, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू टैब में ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म आप लोगों को एक हार्ड कॉपी के रूप में निकाल लेना गाइस, आपको बता दें हार्ड कॉपी के रूप में ये फॉर्म आप लोग निकाल लेंगे, उसके बाद में आप लोगों को इसे फुलफिल करना होगा गाइस, पूरी सही तरीके से फुलफिल कर दीजिए आप लोग इसे। यहाँ पे ये ओपन हो चुका है, देख लीजिए आप लोगों को सही तरीके से जो जो डिटेल्स मांगी गई है आप लोगों से इसके अंदर, वो पूरा आप लोगों को इसके अंदर भर देना इसे। तो भरने के बाद में यहाँ पे ये फॉर्म अभी ओपन नहीं हो रहा सही तरीके से, यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, इसको भी भरना, आपको इधर फोटो अटैच करना आप लोगों को, आपके में ये ओपन हो जाएगा। अभी मेरा नेट स्लो तो थोड़ा ओपन नहीं हो पा रहा। भरने के बाद में डिटेल्स भरना, आप लोगों के पास में अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पास एंड आपका पैन कार्ड आपके पास में होना चाहिए। पूरी डिटेल्स भरने के बाद में आप लोग इस फॉर्म को यहाँ से निकाल के हार्ड कॉपी ग्रुप में डिटेल्स भर देंगे, उसके बाद में आप लोगों को करना फॉर्म को सबमिट करना। फॉर्म सबमिट कहाँ पे करना है वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ गाइस, आपने फॉर्म को निकाल लिया, आपको वापस उसी साइट पर आ जाना है। साइट पर आने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे देख जाना है, देख जाने के बाद में आप लोगों के सामने ये फॉर्म आएगा, इसे क्रॉस करना है एंड अब आप लोगों को क्या करना है, दोबारा से इस पर जाना है हाउ टू रजिस्टर एज ए सीएसपी। इस पर जाने के बाद में आप लोगों के सामने यहाँ पे एक एड्रेस दिया गया है, यहाँ पे ये एड्रेस आप लोगों को दिया गया है। इस एड्रेस पर आपको क्या करना है, वो फॉर्म को लगा के अपने डॉक्यूमेंट अटैच करना है, देन आप लोगों को पोस्ट ऑफिस में जाके इसको सबमिट कर देना है, यानी कि भेज देना है। पोस्ट ऑफिस में जाके भेज देंगे, इस एड्रेस पर आपको ये डिटेल्स अपनी सेंड कर देना है, तो आपसे यहाँ की टीम कुछ ही टाइम बाद में कॉन्टेक्ट करेगी। कॉन्टेक्ट जैसे हो जाएगा आपका 7 डेज के अंदर यानी कि 1 वीक के अंदर आपका सीएसपी आपको मिल जाएगा गाइस। अगर आपसे कॉन्टेक्ट नहीं करती है तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको कॉन्टेक्ट खुद से कर लेना। कैसे, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप लोग यहाँ पे डिटेल्स भेज सकते हैं, डिटेल्स भेजने के बाद में आप लोग सबमिट करेंगे तो आपसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा। अदरवाइज आप लोग के लिए एसबीआई क्योस्क बैंकिंग यहाँ पे दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर है जो कि ऑल टाइम रहता है ऑन आप लोग के लिए, बाकी कॉलिंग नंबर भी है, आप लोग इस पर कॉल करके आप लोग डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे बता दें कॉन्टेक्ट होने के बाद में आप लोगों से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, बिना इन्वेस्टमेंट के 0 बैलेंस के साथ में आप लोग इसको चालू कर सकते हैं और अपने घर पे बैठ कर ही नॉर्मल 25 से 30 हजार रुपए इजी तरीके से आप लोग कमा सकते हैं। एसबीआई क्योस्क सीएसपी लेके आप लोग एसबीआई के एजेंट बन जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, फिर आप लोग एसबीआई के साथ में काम कर सकते हैं, अपना मिनी ब्रांच को ओपन कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप लोग अपने घर पे बैठ के इस फॉर्म को निकालने के बाद में कॉपी करके आप लोग इसको हार्ड कॉपी के रूप में यहाँ पे सेंड कर दीजिए उनके बताए गए एड्रेस पर पोस्ट ऑफिस में जाके। अदरवाइज आप लोग ये फॉर्म भर के भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अगर उससे भी काम नहीं बनता आप लोगों का तो यहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर कॉलिंग पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग सीएसपी ले सकते हैं अपने घर पे बैठ के। तो गाइस उम्मीद करेंगे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर करना एंड कमेंट भी करना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस अपडेट। मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक।